दोस्तों मार्केट के अंदर आपको अलग अलग तरीके के ऑर्थो मैट्रेस देखने को मिलेंगे, मगर ऑर्थो मैट्रेस के अंदर भी एक प्रीमियम ऑर्थो मैट्रेस जिसको हम कह सकते हैं, इस तरीके का मैट्रेस रिसेंटली स्लीपवेल ने लॉन्च किया है। स्लीपवेल कंपनी का यह मैट्रेस है। इस मैट्रेस का नाम है स्लीपवेल स्पाइनटेकर लग्जरी। इस मैट्रेस का आज हम रिव्यू देने वाले हैं। दोस्तों ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, हम यहाँ पे आपको जेन्युइन रिव्यू देते हैं ताकि आपको आइडिया आए किस तरीके के मैट्रेस मार्केट के अंदर चल रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे स्लीपवेल स्पाइनटेकर लग्जरी मैट्रेस के अंदर कंपनी ने किस तरीके का फोम दिया हुआ है, मैट्रेस का फील कैसा है, किन किन लोगों को हम यह मैट्रेस रेकमेंड कर सकते हैं, इसका रेट क्या है, इसकी वारंटी क्या है, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों फोम और फर्निशिंग की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं स्पाइनटेकर लग्जरी का फील किस तरीके का है। देखिए अगर इसका फील देखें तो मीडियम फॉर्म, मीडियम सॉफ्ट फील इसको कह सकते हैं, इस तरीके का फील है। और मैट्रेस का लुक देखिए, इस तरीके का लुक बनाया हुआ है। साइड में यहाँ पे देखें तो देखिए बॉक्स टॉप फिनिशिंग के अंदर दिया हुआ है। वैसे ये बॉक्स टॉप फिनिशिंग कंफर्ट के लिए नहीं होता है, मैट्रेस के लुक के लिए होता है। देखिए इस तरीके का पूरा डिज़ाइन मैट्रेस का बनाया हुआ है। दोस्तों स्पाइनटेकर लग्जरी मैट्रेस का यहाँ पे छोटा सैंपल हमने रखा है ताकि इसके अंदर कौन कौन से फोम दिए हुए हैं कंपनी ने वो आपको दिखा पाए। देखिए इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है मैट्रेस का, इसको बॉक्स टॉप फिनिशिंग कहते हैं, बॉक्स टॉप में दिया हुआ है। बॉक्स टॉप यानी कि इस तरीके का होता है। देखिए दूसरा यूरो टॉप आता है वो पूरा अटैच होता है, तीसरा पिल्लो टॉप आता है वो पिल्लो जैसा बना हुआ होता है मगर बॉक्स टॉप दिया हुआ है यहाँ पे। देखिए अब टॉप का जो फैब्रिक है, ये वाला जो फैब्रिक है ये प्रीमियम नीटेड फैब्रिक दिया हुआ है। देखिए इस तरीके का फैब्रिक है, ये जो ऊपर का कपड़ा जिसको कह सकते हैं ये कपड़ा है वो नीटेड प्रीमियम नीटेड फैब्रिक दिया हुआ है। इसके नीचे वाला ये जो फोम है ये नेक्सा फोम है, ये क्विल्टिंग के अंदर दिए हुए। देखिए दो फोम है, एक नेक्सा फोम है और दूसरा है क्विल्टेक फोम। ये क्विल्टेक फोम है वो स्लीपवेल कंपनी की पैटेंट है यानी कि रजिस्टर्ड फोम है, तो दो फोम कंपनी ने क्विल्ट के अंदर यूज़ किए हुए है। देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा, नेक्सा फोम है वो आमतौर पर मेमोरी फोम ही है मगर रिस्पॉन्सिव मेमोरी है। नॉर्मल जो मेमोरी आता है उसके ऊपर वेट रखते हैं तो वो धीरे धीरे ऊपर आता है, धीरे धीरे रिस्पॉन्स देता है, मगर ये वाला फोम फास्ट रिस्पॉन्स देता है यानी कि इसको रिस्पॉन्सिव मेमोरी फोम भी कह सकते हैं। तो ये दो फोम क्विल्टिंग के अंदर दिए हुए हैं। इसका बेनिफिट ये होगा जब भी आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो डायरेक्ट बॉडी से जो फोम का स्ट्रक्चर टच होगा वो यही वाला क्विल्टिंग वाला ही होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से होगा, गर्मी रिलेटेड इश्यूज इसके अंदर जनरेट नहीं होंगे क्योंकि ये वाला जो फोम होता है वो लो डेंसिटी और ओपन सेल वाला फोम होता है। क्विल्टिंग के नीचे यहाँ पे जो फोम दिया हुआ है ये इंप्रेशन फोम है। देखिए इस तरीके का फोम है, इंप्रेशन फोम यानी कि मेमोरी फोम। स्लीपवेल ने अलग नेम दिया हुआ है, बाकी ये मेमोरी फोम ही है, इसको इंप्रेशन फोम नेम दिया हुआ है। ये देखिए इसको पुश करते हैं तो धीरे धीरे ये रिस्पॉन्स करता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इस इंप्रेशन फोम का बेनिफिट क्या होगा, जब आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो बॉडी का कोई भी पार्ट ऑन एयर नहीं रहेगा, पूरी बॉडी मैट्रेस के ऊपर छप जाएगी यानी कि मैट्रेस और बॉडी के बीच में जो टच पॉइंट्स है वो ज़्यादा रहेगा तो प्रॉपर आपको कंफर्ट मिलेगा। और मेमोरी फोम से ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर तरीके से होता है इसलिए भी आप यूज़ कर सकते हो। वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं यानी कि बॉडी के जो हैवी वेट वाले पार्ट्स है वहाँ पे जो प्रेशर पॉइंट्स आते हैं उसको ये रिड्यूस करता है। और मेमोरी फोम के नीचे जो फोम दिया हुआ है ये है थ्री जोन प्रोफाइल रेसिटेक फोम। देखिए यहाँ पे इसके अंदर दिखने वाला नहीं है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का बना है कि हम आपको इसको ओपन करके नहीं दिखा सकते। देखिए मैं ब्रोशर में आपको दिखाता हूँ, इस तरीके का फोम होता है। देखिए ये थ्री जोन में डिवाइड किया हुआ है, देखिए इस तरीके का। तो बॉडी के जो हैवी वेट वाले पार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट अगर देखें तो लोअर बैक या तो फिर अपर बैक वाले जो पार्ट है वहाँ पे वेट ज़्यादा होता है बॉडी के अंदर। तो ये थ्री जोन इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि बॉडी के जो मेजर वेट वाले पार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट मिले, वेट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो और एयर वेंटिलेशन प्रॉपर तरीके से हो, क्योंकि जो प्रोफाइल फोम होता है उसके अंदर अलग अलग डिज़ाइन बनी हुई होती है ताकि एयर बबल्स एयर गैप्स बने तो गर्मी रिलेटेड इश्यूज इसके अंदर जनरेट ना हो। तो थ्री जोन प्रोफाइल फोम है वो आजकल अगर देखें तो आपको कोई भी टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस मैट्रेस है उसके अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे भी कंपनी ने थिक लेयर ऑफ रेसिटेक फोम दिया हुआ है और रेसिटेक फोम के नीचे यहाँ पे देखिए स्पेसर फैब्रिक दिया हुआ है। ये 3D डिज़ाइन में होता है, देखिए इस तरीके का ये नेट जैसा आपको अगर दिख रहा है तो देखिए ये वाला। इस फैब्रिक का बेनिफिट क्या होगा, ये थिक लेयर है मगर एयर वेंटिलेशन के लिए दिया हुआ है, एयर वेंटिलेशन मैट्रेस के अंदर ज़्यादा हो। इस मैट्रेस का नेम ही स्पाइनटेक एयर लग्जरी है,
तो एयर के बारे में कंपनी ने इसके अंदर ज़्यादा सोचा है। 20 के अंदर देखें तो डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट लेयर में बॉन्डेड फोम आ गया है। देखिए ये हाई डेंसिटी बॉन्डेड फोम 20 के अंदर दिया हुआ है एज अ सपोर्ट लेयर के लिए। इसका बेनिफिट क्या होगा? हालांकि कोई भी ऑर्थो मैट्रेस हो उसके लिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि बॉन्डेड फोम मस्ट रिक्वायर्ड है। अगर बॉन्डेड फोम नहीं है तो मैट्रेस इतना ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होगा। तो 20 के अंदर बॉन्डेड फोम इसके अंदर दिया हुआ है। इसका बेनिफिट ये होगा, जब आप मैट्रेस के ऊपर सोते हो तो बॉडी जब सिंक करेगी इसके अंदर तो सर्टेन डिग्री तक सिंक कर पाएगी। बाद में यहाँ पे बॉन्डेड का हार्ड सपोर्ट बॉडी को मिल जाएगा, तो प्रॉपर सपोर्ट मिलेगा बॉडी को तो ही मैट्रेस के अंदर प्रॉपर कंफर्ट मिलेगा। तो 20 के अंदर हाई डेंसिटी बॉन्डेड फोम दिया हुआ है और मैट्रेस के बॉटम में देखिए ये एंटी स्किड सरफेस दिया हुआ है ताकि जब आप मैट्रेस को एक जगह पर रख दे तो वहाँ से मूव ना करे, एक जगह पर ऑलमोस्ट चिपक करे। तो इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर था इस मैट्रेस का, स्पाइनटेक एयर लग्जरी का। दोस्तों अब इसके ऊपर सो के देखते हैं इसका फील कैसा है। दोस्तों जैसे ही मैट्रेस के ऊपर बैठते हैं धीरे धीरे मैट्रेस सिंक कर रहा है, डायरेक्टली सॉफ्टनेस फील नहीं हो रहा है, धीरे धीरे सिंक कर रहा है क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी फोम दिया है वो धीरे धीरे ही सिंक करेगा। इतना ज़्यादा भी सिंक नहीं हो रहा है। 20 के अंदर जो बॉन्डेड है उसका डायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है। नॉर्मली इसके फीचर्स को देखते हुए मुझे लग रहा था कि मैट्रेस ज़्यादा सॉफ्ट होगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा, मगर इतना ज़्यादा सॉफ्ट नहीं लग रहा है। दोस्तों मैट्रेस के ऊपर सोते हैं तो डायरेक्टली सपोर्ट भी फील हो रहा है मैट्रेस के अंदर, यानी कि मैट्रेस सपोर्टिव है। दोस्तों जब आप इस मैट्रेस को देखने जाते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप मैट्रेस के ऊपर सो के देखिए, और ऐसा नहीं एक बार सो के डायरेक्टली उसके ऊपर से खड़े हो जाए, खड़े नहीं होना है, थोड़ी देर इसके ऊपर सो के देखना है क्योंकि इसके अंदर जो मेमोरी है वो धीरे धीरे सिंक होता है। तो आप थोड़ी देर इसके ऊपर सोते रहेंगे तो आपको प्रॉपर आइडिया आएगा क्योंकि जो लोअर बॉडी के पार्ट्स है अपर बॉडी के पार्ट वो प्रॉपर इसके अंदर सिंक कर रहे हैं, और यहाँ पे जो स्पाइन एरिया है यहाँ पे प्रॉपर कर्व बन रहा है इस मैट्रेस के अंदर। तो मैट्रेस मतलब सपोर्टिव है, सपोर्टिव के साथ साथ लग्जरियस भी मुझे लग रहा है। तो दोस्तों इस मैट्रेस के फील को देखते हुए बात करते हैं किन किन लोगों को हम यह मैट्रेस रिकमेंड कर सकते हैं। आमतौर पर आपका वेट कोई भी हो, यानी कि 20 kg हो या तो फिर 120 kg हो, यह मैट्रेस आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा। इसका एक ही रीज़न है कि मैट्रेस के 20 के अंदर सपोर्टिव फील दिया हुआ है, यानी कि बॉन्डेड फोम हाई डेंसिटी बॉन्डेड दिया हुआ है, तो बॉडी इसके अंदर सिंक तो करेगी मगर सर्टेन डिग्री तक सिंक करने वाली है, उससे ज़्यादा सिंक नहीं करेगी। तो बाद में बॉडी के जो हैवी वेट वाले पार्ट है उसको प्रॉपर सपोर्ट मिल जाएगा। वैसे भी इसके अंदर जो 3-zone सपोर्ट लेयर इसके अंदर यूज़ किया हुआ है, 3-zone प्रोफाइल लेयर है इसके अंदर, तो उसका भी फील आएगा क्योंकि मिडल ऑफ द मैट्रेस अगर आप इसको पुश करेंगे तो थोड़ा आपको फर्मनेस वाला इसका फील दिखेगा, और नीचे की साइड मैट्रेस की बॉटम साइड और जो हेड एरियाज है यहाँ पे थोड़ा आपको सॉफ्टनेस लग सकता है, मगर डायरेक्टली ऐसे आइडिया नहीं आएगा। मगर जब आप इसके ऊपर सोते हो तो जो 3-zone सपोर्ट लेयर है उसका आपको बेसिक फील मिलेगा। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये मैट्रेस हाईली रिकमेंडेड रहेगा सभी एज ग्रुप के लिए या तो फिर सभी वेट ग्रुप के लिए। आमतौर पे ज़्यादा रिकमेंडेड उन लोगों के लिए है जिसको अपर बैक रिलेटेड इश्यू है, लोअर बैक के लिए भी रिकमेंडेड रहेगा, मगर लोअर बैक के लिए मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा स्पाइनटेक एयर मैट्रेस, ना कि स्पाइनटेक एयर लग्जरी मैट्रेस। दोनों में वैसे डिफरेंस देखें तो इतना ज़्यादा नहीं है, स्पाइनटेक एयर मैट्रेस है वो थोड़ा इसकी कंपेरिजन में फॉर्म रहेगा। तो स्पेशल अगर लोअर बैक का इश्यू है तो मैं ज़्यादा वही मैट्रेस आपको रिकमेंड करूँगा स्लीपवेयर का, स्पाइनटेक एयर। दोस्तों अगर आपका वेट 90 kg 100 kg है या तो फिर 80 kg के आसपास है, आपको लोअर बैक का भी प्रॉब्लम है अपर बैक का भी प्रॉब्लम है, साथ ही साथ आप यंग है यानी कि आपकी एज 50 या उससे कम है, तो ये मैट्रेस मैं आपको ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। अदरवाइज अगर आपका वेट ज़्यादा है, आपकी एज है वो 50+ है और आपको ओनली लोअर बैक का इश्यू है, तो स्पाइनटेक के एयर मैट्रेस में आपको ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। दोस्तों अब बात करते हैं स्पाइनटेक एयर लग्जरी मैट्रेस के रेट के बारे में। अगर आप 6x5 feet का मैट्रेस 7 inch की थिकनेस में देखते हो तो इसका जो MRP है ऑलमोस्ट 49,000 rupees के आसपास है। अगर आप 8 inch की थिकनेस में देखते हो तो इसका जो MRP है ऑलमोस्ट 58,000 rupees के आसपास रहेगा। यह मैट्रेस की मैंने आपको MRP बताई है, अप्रोक्स MRP है। जब भी आप मैट्रेस देखने जाते हो तो कोई ना कोई डिस्काउंट स्कीम वगैरह चलता रहता है, तो वो एक आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है। दोस्तों इस मैट्रेस के अंदर कंपनी 7 years की वारंटी देती है, तो 7 years तक पूरा पीस ऑफ माइंड रहेगा। और स्लीपवेल कंपनी इस मैट्रेस के अंदर नीमफ्रेश टेक्नोलॉजी यूज करती है ताकि मैट्रेस के अंदर कभी भी फंगस बैक्टीरिया वगैरह ना हो, हेल्थ और हाइजीन वाइज सेफ रहे। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने आपको स्लीपवेल स्पाइनटेक एयर लग्जरी मैट्रेस का पूरा रिव्यू दिया है। फिर भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमें पूछ सकते हैं, हम आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई देंगे।